आप लोग देख रहे होंगे कि मैं और मोहसिन भाई वॉक कर रहे हैं, तो वॉक नहीं कर रहे हम, मोहसिन भाई का बैग भी नज़र आ रहा होगा और मेरा भी बैग मैंने पीछे हैंग किया हुआ है। तो हम कर्फ्यू की वजह से कपड़े धोने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। किस तरह जा रहे हैं आज, किस तरह जा रहे हैं वैसे? लिफ्ट लेके। हाँ, लिफ्ट लेके जा रहे हैं हम, लिफ्ट लेनी है अगर किसी ने दे दी तो। अभी हम यहाँ पे खड़े होंगे लिफ्ट के लिए, तो देखेंगे कि कोई हमें लिफ्ट देगा कि नहीं यूनिवर्सिटी तक। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और अब, लेकिन अब चल चल के थोड़ी सी गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, बॉडी वार्म अप हो जाएगी हमारी। लेट्स सी आज का हमारा कैसा रहता है आज का डे। अभी उठ के आए थे, नाश्ता भी नहीं मैंने किया, मोहसिन भाई ने तो कर लिया, मैंने नहीं किया। तो अब मैं कपड़े धोने बस जा रहा हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए वैसे हमारे। आधे रास्ते की लिफ्ट तो हमें मिल गई, अब बाकी आधा रास्ता रह गया। आधे रास्ते की भी इंशाल्लाह मिल जाएगी लिफ्ट। आज तरीके बता रहा हूँ मोहसिन भाई को कि कैसे लिफ्ट ली जाती है यहाँ पे। आसान है बहुत, कभी कभी ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, कभी कभी थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। ये भी एक एडवेंचर टूर्स होते हैं लाइफ के, जब आप लिफ्ट लेके कहीं ट्रेवल कर रहे होते हो। सोचा नहीं था कभी लाइफ में ऐसा, लेकिन कहते हैं ना इंसान जो कभी समटाइम जो सोचता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा इंसान सोचता नहीं है। पता नहीं वैसे बात मैंने क्या कर दी है। सो दिस टाइम मोहसिन भाई ट्राई करने लगे हैं लिफ्ट के लिए, कह रहे हैं इस बार मैं ट्राई करता हूँ लिफ्ट के लिए। तो देखते हैं मोहसिन भाई हमारे लिए लकी साबित होते हैं कि नहीं मेरे लिए। तो मोहसिन भाई ट्राई करें फिर। लगे हुए हैं मोहसिन भाई लिफ्ट के लिए। लेट्स सी क्या होता है, मिलती है मोहसिन भाई को कि नहीं, अल्लाह करके मिल जाए। ना हुई तो फिर मुझे खुद ही ट्राई करनी पड़ेगी। तो फाइनली मिल गई। लेके आ गए हैं हम, अब यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। यो यो मैन, फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई और अब हम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। अब हम कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं। तो आज नया हमने सोशा सुन ली है, नई खबर सुन ली है हमने, अजीब सी। पाकिस्तान बेसिकली हम दो पाकिस्तानी बॉयज से उनके साथ आए हैं, हम उन्होंने लिफ्ट दी हमें, तो अच्छे लड़के थे काफ़ी। तो उन्होंने उन्होंने कह दिया कि यार हमने सुना है कि 2022 में आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी बन जाएगी। पता नहीं वैसे ऐसी न्यूज़ मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने बात कर दी। अब इस पर थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी कि वाकई ये न्यूज़ फेक है या रियल है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो यहाँ से मूव करना बहुत इजी होगा, बहुत इजी भी ऑस्ट्रेलिया। इतना इजी भी नहीं होगा आई थिंक सो, कि उसके लिए कुछ ये पॉलिसीज रखेंगे या जीपी अच्छा रखेंगे या आर्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रखेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ पर हमें थोड़ा सा रिसर्च करना है कि बात ठीक भी है कि नहीं। तो चलते हैं फिलहाल कपड़े धोते हैं, बाकी रिसर्चें बाद में करेंगे। इस टाइम कपड़ों पे रिसर्च करनी है, मेरे तो कंधे थक गए हैं। मोहसिन और मैंने कपड़े डाल दिए हुए हैं लॉन्ड्री में, तो इस टाइम अब हम वेट कर रहे हैं। 32 मिनट का लगा हुआ है टाइमर उस पर।
हिमाचल भाई क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा फील हो रहा है आपको आज यूनिवर्सिटी आके 6-7 दिनों बाद? बिल्कुल खाली पड़ी यार, लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। हमने किसी के कपड़े निकाल के अपने कपड़े डाले हैं, अब देखें जो आते हैं उनका कैसा एक्सप्रेशन होता है, वो क्या हमें कहते हैं। वैसे हमने जगह नीट एंड क्लीन करके तो फिर उनके कपड़े रखे थे, क्योंकि इतना हमें भी पता है यार कोई कपड़े धोने आया है आसानी से धोने नहीं आता, इतनी मुश्किल से धोने आता है। हमारी तरह लिफ्ट ले लेके आया होगा या यूनिवर्सिटी से ही आया होगा, पता नहीं कहाँ से आया होगा। खैर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा ना। फाइनली कपड़े आज बहुत अच्छे धुले हैं, मोहसिन भाई को भी पसंद आए हैं आज के कपड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने उन्हें बताया यहाँ पे मशीन लगाने का तरीका कि किस तरह लगाते हैं। बेसिकली वो खुद भी लगाते थे, समटाइम तो उनसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि ये वो आम पाकिस्तानी मशीन नहीं है या लोकल मशीन नहीं है, इसको भी लगाने की ट्रिक्स होती हैं और यहाँ की थोड़ी सी टर्किश लिखी होती है, उन पर ऑन ऑफ भी नहीं लिखा होता, डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं समटाइम इंसान को। आज मैंने उन्हें प्रॉपर बता दिया कि इस तरह आपने मशीन लगानी है। अब हम वापस घर जाने लगे हैं, कितनी देर में हम फ्री हुए हैं, तकरीबन हमें लगे 1 घंटा 30 मिनट, हाँ 1 घंटा 30 मिनट हमें लिफ्ट मिल गई थी, बहुत अच्छी लिफ्ट अच्छी मिल गई थी इसलिए हम जल्दी टाइम से पहुंच गए यहाँ पे रोशनी में ही, और अब रोशनी में ही हम वापस जा रहे हैं। मोहसिन भाई कम फास्ट, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही पहले से पहली सी मोहब्बत मांगू। ड्रामे आजकल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फेमस हुए पड़े हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी लव स्टोरियाँ चल रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी उनके लिरिक्स हैं। फ्री टाइम में हमने ये शुरू किए हुए हैं मैंने, तो आजकल तो मेरा ये जो इसका सॉन्ग है पहली सी मोहब्बत, उसका आई लव दिस सॉन्ग, मज़ा आता है इस सॉन्ग ये सॉन्ग सुनने का। अभी हम CIU में ही हैं तो अब घर की तरफ रवाना होने लगे हैं, एक छोटी सी वीडियो बनानी है यहाँ पे, हमने है तो 25-30 मिनट की है लेकिन जब वो शॉर्ट होगी तो बहुत छोटी होगी। मैं आपको वो वीडियो अगर हमने बनाई तो इसके आगे मैं आपको वो वीडियो चला के दिखाता हूँ जो हमने इतनी मेहनत के बाद बनाई। इस टाइम हम लेक व्यू से गुजर रहे हैं, CIU लेक व्यू, मोहसिन भाई फास्ट, थक गए हैं मोहसिन भाई तो बहुत भारी हो गए हैं हमारे बैग क्योंकि कपड़े गीले हैं अभी इसलिए बहुत वजनी हो गए हुए हैं हमारे कपड़े। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही पहले से पहली सी मोहब्बत मांगू, ये चांद मेरे अब तो तेरे संग गुजरी। मोहसिन भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, उनके आहिस्ता चलने की रीज़न यही है, बैग बहुत वजनी है इस टाइम, ये देखें इतना भारी, इतना 40 किलो का इस टाइम बैग हुआ पड़ा है। कपड़े सोचा था हमने ड्राई भी कर लें लेकिन उस पर फिर हमारे 40 मिनट लग जाने थे तो हमने सोचा अब जाके घर छत पे ही डालेंगे कपड़े। वापसी के लिए भी हमें लिफ्ट मिल गई है बहुत जल्दी, थैंक गॉड। हाँ दूसरी वीडियो वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था हमारा, हमने कहा कि जल्दी से घर जाके जरा कपड़े सपड़े धो लिए सुखा दें थोड़े से। Thank you.
वापसी पे फिर हमें एक लिफ्ट मिल गई थी, तो बड़ी अच्छी अच्छी क्या लिफ्ट थी, लिफ्ट 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 ही होती है। अब हम रोड क्रॉस करने लगे हैं, तो अब हम अपनी लास्ट लिफ्ट के लिए रोड पे खड़े होने लगे हैं। देखिए अब वो कितनी जल्दी हमें मिलती है, अल्लाह करके वो भी जल्दी मिल जाए। दिल के दरवाजे पे तेरे से तेरी दस्तक मांगू। अच्छा, आप लोगों को कोरोना के बारे में थोड़ी सी अपडेट देता जाऊं। कोरोना कुछ समझ नहीं आ रही कोरोना की, के लॉकडाउन जो है वो 21 दिनों का ये करने की अभी तक न्यूज़ आ रही है, 21 डेज के लिए कोरोना बढ़ गया हुआ है, सब चीज़ें कर्फ्यू हर चीज़ बढ़ गई हुई है, आई मीन के लॉकडाउन जो है उसकी डेट 21 दिनों की इन्होंने कर दी है, 80% 90% ये न्यूज़ आ रही है, बाकी अभी तक फाइनल न्यूज़ नहीं आई, जो ही आएगी इंशाल्लाह उसके लिए उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगा। बाकी देखें किस तरह गुजरते हैं अब हमारे 21 दिन, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो घर भाई, और तू ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है घर रह के। लेट्स सी, अब हम अपनी लास्ट लिफ्ट के लिए खड़े होने लगे हैं रोड पे, कितनी देर में हमें मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी अपडेट आप लोगों को मैं देता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, 10-15 मिनट हो गए हैं, हमें अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली। मौसम भाई भी थक गया और मैं भी थक गया हुआ हूँ, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। क्यों मौसम भाई? बिल्कुल कोई अल्लाह का नेक बंदा हमें वापसी के लिए लिफ्ट नहीं दे रहा। आते हुए हमें मिल गई, हर चीज़ मिल गई, हर चीज़ ओके हो गई, बहुत जल्दी जल्दी हमारे सारे काम ख़त्म हो गए, लेकिन अब हमें वापसी के लिए हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसके लिए अब हमें लिफ्ट नहीं मिल गई, 5 भी नहीं, आई थिंक कम है। लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती। ओ तो हमें लिफ्ट मिल गई आफ्टर 30 मिनट लेटर। इतनी मुश्किल से, अब बैग बहुत वजनी था मोहसिन भाई का, तो उन्होंने मैंने कहा कि चलो चेंज कर लो आप मेरे साथ, क्योंकि मेरा हल्का था, मेरे कपड़े ज़रा थोड़े थे। मोहसिन भाई ने तो पूरे महीने के इकट्ठे किए हुए आज धोए हैं उन्होंने, और हम ऐसे गुजर कहाँ से रहे हैं, चलें जहाँ से भी गुजर रहे हैं। लिफ्ट हमें अच्छी मिल गई, अब हम घर पहुँचने वाले हैं, वापसी घर जाके फिर कपड़े डालते हैं छत पे, और बस आज हमारा जो दिन है आज का वो इसी चक्कर में गुजर गया, बस इन्हीं कपड़े धोने में ही गुजर गया आज का दिन। जाके रोटी भी खानी है, अभी ब्रेकफास्ट नहीं था किया मैंने, सिर्फ जूस पिया था। मेरा वेट वैसे भी इंक्रीज़ हो गया है माशाल्लाह, 5 से 6 किलो फ्री रह के, तो अब थोड़ी सी डाइटिंग ज़रूरी है, ज़्यादा वेट बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है, और वो भी मुझ जैसे लड़के का, हैंडसम लड़के का वेट बढ़ जाना अच्छा नहीं है। थक गया हूँ मौसम थक गया हूँ यार, बड़ा वजनी बैग है तेरा, मैंने तो एवं छूला मार ली तुझे बैग, तेरा बैग पकड़ने की। एक मिनट, तो अब हम घर पहुँच गए हैं, अब छत पे भी बल्कि पहुँच गए हैं, अब बैग उतार के हम कपड़े करने लगे हैं, डालने लगे हैं छत पे, थोड़ा सा स्टैंड लंबा कर लूँ और फिर कपड़े डालना शुरू करते हैं हम।
तो अब हमने कपड़े डाल लिए हैं सारे, अब कुछ तो हवा से सूख जाएंगे, कुछ के सुबह धूप से सूखेंगे। हवा भी बहुत तेज़ होती है यहाँ पे, वैसे कपड़ों पे चुटकियाँ जो होती हैं ना लाजमी लगानी पड़ती हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास चुटकियाँ नहीं हैं। तो अब इसके लिए मैंने ऐसा किया कि मैं खुद ही थोड़ी देर बाद आके ना चक्कर लगाता रहूँगा, चेक करता रहूँगा, जो कपड़े सूख जाएंगे, जो लाइट वेट कपड़े हैं वो सूख जाएंगे जल्दी, और वो फिर मैं उतार के नीचे ले जाऊँगा। बाकी जो कपड़े होंगे लाइक जो जीन्स की पेंटें होंगी और जो मतलब भारी कपड़े हैं वो रहने दूँगा, उनको किसी तरीके कवर कर दूँगा कि वो उड़े ना। कोई है नीचे? नहीं है।